माय विजन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल पे मैं दिलीप कुमार दरूला आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 2, लेक्चर 1 अगर आप में से किसी ने ना देखा हो तो उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की बेसिक पढ़ ली थी, अब सेकेंड लेक्चर में इसके क्वेश्चन चालू करते हैं और उसके बाद लगातार क्वेश्चन देखे जाएंगे, उसका सलूशन देखा जाएगा कि किस तरह एग्ज़ाम में आते हैं, उसको किस तरह हम जल्दी कर सकते हैं। तो वह पहला क्वेश्चन हमारे पास कि 300 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 405 रुपये हो जाएगी। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹300 अमाउंट टू ₹405 एट 5%। फोर अननोन फिगर्स थी हमारे पास, PRT/100 जो फॉर्मूला था हमारे पास SI=PRT/100, तो उसमें तीन वैल्यूज हमारे पास हैं, फोर्थ वन फाइंड करनी है, चौथी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको अगर फॉर्मूले में पुट कर दें हम लोग SI=PRT/100, लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पर SI आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये जो फिगर दी हुई है ये अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट इक्वल्स टू होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी 405 में जब 300 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा SI, SI कितना आ जाएगा 105, प्रिंसिपल 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और T फाइंड करना है 15T=105, T की वैल्यू आ गई 7 years और ऑप्शन नंबर टिक हो जाएगा फर्स्ट। तो बस आपको ध्यान केवल इतना देना है कि चार फिगर्स में से, चार अननोन फिगर्स में से कौन सी तीन वैल्यू गिवन है हमारे पास, चार में से कौन से तीन मान हमको दिए गए हैं और चौथा हमको फाइंड आउट करना है, इसका ध्यान देना है आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ए सम ऑफ मनी बिकम 3 times इन 10 years एट SI, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कौन सी तीन फिगर्स हमारे पास हैं, कैसे सॉल्व होगा। प्रिंसिपल अगर P ले लिया जाए, मूलधन P मान लिया, कह रहा है आपसे 3 times P, अगर 3 times हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3P। लेकिन फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमको रखना होता है SI, इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल P है, 10 ईयर का टाइम है, रेट निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20P=PR, P कैंसिल हो गया, R की वैल्यू आ गई 20% और ऑप्शन टिक हो जाएगा 3। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने पूरा फुल फॉर्मूले पे रखा, इसको परसेंटेज के बेस पे जल्दी भी किया जा सकता है कि अगर प्रिंसिपल को 100% ले लिया जाए तो ये कितना हो गया 300%, इंटरेस्ट कितना मिला 200%। अब आपको ध्यान देना है कि 10 वर्षों में अगर 200% ब्याज मिल रहा है, 10 वर्षों में 200% ब्याज मिल रहा है तो एक साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा। 20 और 20 आंसर जल्दी आ गया। अगर परसेंटेज बेस पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं
तो क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चनों पे। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ए सम ऑफ सम वाज पुट एट एसआई एट ए सर्टेन रेट फॉर 6 ईयर्स। हैड इट बीन पुट एट 4% हायर रेट वुड हैव फेच्ड रुपीज 960 मोर। फाइंड द सम। एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए दी जाती है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक अधिक होती तो ब्याज के रूप में 960 अधिक मिलते। मूलधन बताइए। अब इस क्वेश्चन में हमको ध्यान ये देना है कि हमको प्रिंसिपल नहीं दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया, केवल 6 ईयर टाइम दिया। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, समय मालूम है कि 6 वर्षों के लिए दिया गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला हमको, PRT/100। अब क्या चेंज किया गया कि यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हायर किया जा रहा है और कोई चेंज नहीं किया। अब यानी हमको इंटरेस्ट मिलेगा PR+4 × 6 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 960 रुपीस। अब इस इक्वेशन को केवल हमको सॉल्व करना है और वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। 6 PR + 24P/100 - 6 PR = 960। 6 PR + 24P - 6 PR = 960। ये कैंसिल हो गया, 24P की वैल्यू आ गई 96000। ये 100 मल्टीप्लाई हो गया जाके, पी की वैल्यू आ गई 4000 रुपीज़ और ऑप्शन नंबर टिक हो गया 3। लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगा, समय को अगर नहीं बचा पाए एग्जामिनेशन हॉल में तो हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये तो था हमारा PRT/100 के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को अगर हमको जल्दी सॉल्व करना है तो उसका ध्यान क्या देना है आपको, छह वर्षों के लिए ब्याज पे दिया गया था, एक धनराशि 6 वर्षों के लिए दी गई थी। यदि हर एक वर्ष में 4% ब्याज बढ़ा दिया जाए तो 6 वर्षों में कितने परसेंट ब्याज बढ़ जाएगा। हर एक साल में अगर 4% ब्याज बढ़ा रहे हैं तो 6 सालों में ब्याज बढ़ेगा हमारा 24%, 24%। और इस 24% की वैल्यू कितनी दी है हमको, 960। सो 100% की वैल्यू क्या होगी, 4000 रुपीज़। अब एक तरफ आपके पास ये मेथड और एक तरफ ये मेथड, आपको डिसाइड करना है कि किस मेथड से हम एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को सेव कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 1125 तथा 8 वर्षों में ₹1200 हो जाती है। अब इस लाइन में सबसे मेन जगह जो मामला फंसता है, जहाँ पे हम लोग को दिक्कत आती है, जहाँ मिस्टेक के चांस हैं, वो कौन सा चांस है, 1125 और ₹1200 हो जाती है। आपको ध्यान एक चीज़ का देना है, जब प्रिंसिपल या मूलधन की बात होती है तो क्वेश्चन में आपको एज इट इज़ बताएगा वो कि ये प्रिंसिपल है, सम है। ब्याज की बात होती है, इंटरेस्ट की बात होती है तो भी वो डायरेक्टली बताएगा कि ये ब्याज है। लेकिन जब मिश्रधन की बात होती है, अमाउंट की बात होती है, तो उस समय
वो लैंग्वेज डायरेक्टली यूज़ करेगा कि 1200 रुपये, 1125 या 800 हो जाती है। आपको इस वर्डिंग का ध्यान देना है। इसका मतलब है कि ये ना प्रिंसिपल है ना इंटरेस्ट है, ये क्या है, अमाउंट, मिश्रधन है। इसका ध्यान देना है हमको। यानी यहाँ पर कह रहा है 1125 एंड रुपीज 1200, कोई प्रिंसिपल अमाउंट की वर्डिंग यूज़ नहीं हुई, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी यूज़ कर देते हैं और कभी कभी यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा कि अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 1125। प्रिंसिपल प्लस 8 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 1200। अब इस पे अगर हम लॉन्ग कट पे उतरते हैं, ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं, तो 1125 में जब हम पी माइनस करेंगे, अमाउंट में पी माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट आएगा। पी 5 वर्ष का समय, आर नहीं पता। फिर सेकेंड इक्वेशन बनी हमारी 1200 माइनस पी, पी इंटू 8 इंटू आर बाई 100। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तब आंसर आएगा और कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में कंपेयर करने के लिए अगर हम 5 को यहाँ डिवाइड पे ले आए और 8 को डिवाइड पे ले आए, ये आपस में वैल्यू बराबर हो जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 3p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 60,000 माइनस 90,000 माइनस 3p की वैल्यू आ गई हमारे पास 30,000, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। अब देखिए यहां पर 10,000 नहीं आएगा। लॉन्ग कट लगाने में इतना ज़्यादा हम लोग डूब जाते हैं क्वेश्चन पे कि उसमें कैलकुलेशन की गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। वही गलती यहाँ पर दिखाई गई आपको कि देखिए 1125 और 8 का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है 9000, और 1200 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है 6000। लेकिन जितना लॉन्ग कट आप लगाएंगे उतनी गलतियों के चांस बढ़ते हैं। यहाँ पर आना है 9000, यहाँ पर आना है 6000, और ये एक एक ज़ीरो कम होने के बाद आंसर आया 1000। तो लेकिन जितना आप लॉन्ग कट पे जाएंगे उतना टाइम वेस्ट होगा एग्जामिनेशन हॉल में। इसी क्वेश्चन को अगर हम जल्दी लगाना चाहें, 30 सेकंड के अंदर लगाना चाहें, तो कैसे लगेगा उसका ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट दिया है 1125, प्रिंसिपल प्लस 8 ईयर का इंटरेस्ट दिया है 1200। अब इसमें ध्यान दीजिए कॉमन क्या है, प्रिंसिपल। यहाँ पर गैपिंग लेंगे तो कितने ईयर की आएगी, 3 ईयर की। 3 सालों की गैपिंग यहाँ पर कितनी है, 3 सालों में अगर 75 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 25 रुपये। साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की एक क्वालिटी होती है कि वो हर साल समान मिलता है। यहाँ पर 1 साल में ब्याज अगर 25 रुपये मिला है तो 5 सालों में ब्याज कितना मिला होगा हमको, 125 रुपये। जैसे ही हम इसमें 5 सालों का ब्याज माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। यानी आपने देखा कि लॉन्ग कट लगाने में गलतियों के चांस भी बढ़ते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है,
और ट्रिक से लगाएंगे तो वही कैलकुलेशन जल्दी किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग लगातार करते हैं तो हम टाइम सेव कर सकते हैं, और टाइम सेव हो गया एग्जामिनेशन हॉल में तो सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर कोई कमी दिखे तो कमेंट बॉक्स पे इसको अपने सुझाव ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।